इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। न्यूज, मैं हूँ श्रीकांत पांडे। आज मैं रुधौली बस्ती में हूँ और यहाँ पे सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। इसी पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओके, काट दो। क्रिकेट का लुक आप सभी उठा ही रहे हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड में बगल में कुश्ती कबड्डी शुरू हो चुका है, जिसमें रुधौली बाजार और MPIC रुधौली, ये दोनों टीमें वर्तमान में खेल रही हैं। इसके बाद एक्सपर्ट कंप्यूटर जय माता रानी टीम, तीसरा मैच एक्सपर्ट लगनपुरवा रामेंद्र विक्रम प्रथमा, ये सीनियर पर बालकों का कुश्ती कबड्डी हो रहा है। अभी अभी मैच जो हो रही है, डीएमसी के देखने से फील्ड के तत्काल पहुंचे। क्या नाम है? अपना नाम परिचय बताओ। हमारा जान रहे हैं आपको। आओ लोग पीछे हो जाए, सबको पीछे करो। सीनियर दोनों टीमें हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रुधौली से सर, और महिला सीट होने के वजह से आप अपनी पत्नी को मैदान में उतारे, क्या कहना चाहेंगे सर? जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास और सबके आशीर्वाद से आज पूर्ण बहुमत में केंद्र और राज्य में सरकार है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेके ये सरकार पुनः राज्य में एक कीर्तिमान स्थापित की है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार अगर आई है तो उसमें सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। रही बात महिलाओं की, हमारी आज बहु बेटियां अपने को बेधड़क सुरक्षित महसूस करती हैं। जो भी पिछली सरकार के गुंडे थे, आताताई थे, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं या फिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो देश के पूरे सांसदों को बुला के एक संदेश देना चाहे कि हम गांव की प्रतिभा कैसे निकल कर वो प्रदेश और देश के मानचित्र पर स्थापित हो, जिसके क्रम में हमारे लोकप्रिय यशस्वी कर्मठ युवाओं के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय मंत्री बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी जी ने यह पहल की। पिछली बार ये बहुत बड़ा सांसद खेल महाकुंभ जिले पे आयोजित किया गया। लाखों लाख की संख्या में हमारे जिले के युवाओं ने भाग लिया था, जिसके क्रम में इस बार दोबारा ये खेल प्रत्येक ब्लॉकों में 10 तारीख से 16 तारीख से चल रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, दौड़ हो, जो भी ब्लॉकों से प्रतिभाएं निखर के आएंगी, 18 तारीख से शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम बस्ती में सभी ब्लॉकों का समावेश होगा जी। लास्ट सर, ये हम पूछना चाहते हैं आपसे कि प्रत्याशी प्रतिनिधि होने के नाते लोकप्रिय जनता को क्या संदेश देते हैं? देखिए, हमारी सरकार, हम लोग सेवा के माध्यम से कार्य करते हैं। आज तमाम लोग आपके बीच चुनावी बिगुल बज चुकी है, कुकर मुत्ते की तरह दिखाई पड़ रहे हैं बैनर और पोस्टर के माध्यम से। हम लोग जनता के बीच
पांचों साल सेवा करते हैं, जनता के सुख दुख में शरीक होते हैं, तो हमारा पहला अधिकार है ये सीट महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए हमारी पत्नी रितु तिवारी मैदान में है। जी धन्यवाद सर। आपने देखा बस्ती की एक रिपोर्ट आपको दिखाए, हमारे लिए इसको लाइव सबसे जरूर करें। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।